उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल क्या अनाड़ी हैं? सत्ताधारी बीजेपी को तो यही लगता है कि गणेश गोदियाल अनाड़ी हैं और वो अनाड़ीपन में उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक रोज पहले विधानसभा टिकटों को लेकर जो बयान दिया था, दरअसल बीजेपी उस बयान को लेकर कांग्रेस की खिंचाई कर रही है। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने ये कहकर कांग्रेस में हंगामा बरपा दिया था कि कांग्रेस के 36 लोगों के टिकट फाइनल हो चुके हैं, जबकि अभी तक टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी ने विधानसभाओं से नाम तक नहीं मांगे हैं। हालांकि दूसरे दिन ही गणेश गोदियाल अपने बयान से पलट गए और उन्होंने कहा कि फिलहाल केवल मौजूदा 10 विधायकों के ही टिकट फाइनल हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर अब बीजेपी उन्हें अनाड़ी बता रही है। कांग्रेस ने कोई अनाड़ी अध्यक्ष चुन लिया है और जिस प्रकार से अनाड़ीपन से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी बातें कर रहे हैं वो समझ से परे है। सूत न कपास जुलाओ में लठमलट, अभी कहीं कोई कोर कमेटी नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, कोई प्रोसीजर अभी शुरू नहीं हुआ टिकट वितरण का, और आपने टिकट फाइनल कर दिए तो मुबारक है आपको। ऐसे वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, हमें कोई लेना देना नहीं उनसे। लेकिन जिस प्रकार की बैटिंग कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो 5 में से एक है उन्होंने प्रारंभ की है, मुझे लगता है कि वो उनकी परिपक्वता का परिचय नहीं देती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान पर बीजेपी का चुटकी लेना जायज है, लेकिन इस बयान से कांग्रेस के भीतर भी कम बवाल नहीं हुआ है। यही कारण है कि गोदियाल को अपना बयान बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेम भट्ट की रिपोर्ट।